Hey guys, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो पूरा अंत तक देखना और पीछे बैकग्राउंड पे ध्यान मत देना, क्योंकि अभी शादी चल रही है और घर में शादी का वगैरह है, तो ये जो ऐसी व्यवस्था ऐसी ही है, ठीक है। बाकी इस पे ध्यान मत देना। अब जो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली जो कल मेरे धागा बनने वाला है, सभी को ये चीज बताने के लिए फोन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। स्पेशली जो धागा बनता है उसके बाद यानी पांचवें दिन शादी होती है, ऐसा कुछ राजस्थान में ये रस्म होती है, ठीक है। बाकी जो और भी कोई अपडेट रहेगा तो मैं आप जरूर आपको अपडेट दूंगा, और जो बताने की चीजें होंगी वो आपको जरूर डिटेल में बताऊंगा। फाइनली एक और चीज बताना चाहूंगा कि धागा क्या होता है। तो यानी शादी से पांच दिन के यानी पहले बनता है ये, जो पांच दिन पहले जो धागा बन जाता है कल, तो यानी कल जो कल से देखा जाए तो पांच दिन सात तारीख होते हैं, तो सातवें दिन मेरी शादी होने वाली थी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। पांच दिन का जो होता है धागा बनने के बाद, और छठे दिन जब जो हम शादी करने के बाद वापिस जाते हैं उनके घर, वापिस आते हैं, ओड़े बोड़े बोला जाता है राजस्थान में, ठीक है। आपके पापा क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये ऐसा होता है। तो जब आते हैं वापस, तब ये जो ये धागा वापस खुलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है रस्में। बाकी और भी डिटेल में आपको कभी ये जो टाइम मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, और ये चीज बताने के लिए ही आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बस आई होप कि छोटी छोटी पसंद आ रही, लाइक करना, शेयर करना, और जितना हो सके अपने भाई के साथ शेयर करना। मैं आपके बाद में जो डेली ब्लॉगिंग के थ्रू आपको डेली कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको इंटरेस्टिंग रहेगी। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ वीडियो सब, जय हिंद, वंदे मातरम।